पढ़ थी आई थी तुम लोग पिछले क्लास में चलो अब यहाँ देखो सब लोग हम लोग पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर ये टॉपिक पढ़ रहे थे और वहां बताया था कि किसी भी अननोन केमिकल सब्सटेंस में किसी भी केमिकल सब्सटेंस में किसी एक गिवन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कुछ एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा और उसी अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं जैसे अगर हमें के टू सी आर टू ओ सेवन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बता थे कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको क्या मान लोगे x. x। तो पोटासियम का हो गया वन इंटू टू क्रोमियम का x इंटू टू ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू जीरो क्यों जीरो क्योंकि के टू सी आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है न्यूट्रल है इसलिए जीरो वहीं अगर ये चार्ज स्पेसिज होता इनके ऊपर में प्लस या माइनस चार्ज होता माइनस

आज हम लोग बात करेंगे कि अगर ये एक समान करके निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूछे पूछा जाएगा तो ये हाफ मार्क्स तब के करीब का होगा आधा नंबर मिलेगा तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आगे का, का काम करना होगा तो पहले रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना होगा तो वो कैसे करेंगे कुछ एक जिनका याद है वो कैलकुलेशन जो है वो आप दिमाग में ही करोगे और बाकी कुछ निकालेंगे हम एक दो बताते हैं आपको ध्यान से समझो जैसे अगर हमें निकालने के लिए कहा गया बोर्ड पर देखोगे आप H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कहा गया बता बताओ तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है आपको कितना होता है वन प्लस वन हाइड्रोजन का नंबर कितना है टू तो प्लस वन इंटू टू टू ऊपर में लिख दिया प्लस टू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू इंटू फोर माइनस एट एच टू एस ओ फोर पूरा जीरो न्यूट्रल है तो आप खुद सोचो ये प्लस टू है ये माइनस एट है तो ये कितना करेंगे तो जीरो हो जाएगा सिक्स तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना हो गया प्लस सिक्स देखो ना आ गया ना चलो देखो इधर अब तो यहां पर ये प्लस सिक्स आया क्योंकि प्लस टू एंड प्लस सिक्स कितना हो जाएगा एट माइनस जीरो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं थ्री में नाइट्रोजन का निकालना है फिर आप बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है प्लस वन ऑक्सीजन का माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स सोच करके देखो कितना डालोगे तो जीरो हो जाएगा प्लस फाइव नाइट्रोजन का आ गया प्लस फाइव अगर हमें निकालने के लिए कहा गया एस थ्री पीओ फोर में फॉस्फोरस का वैसे ही सोचो हाइड्रोजन का प्लस वन तो प्लस वन इंटू थ्री प्लस थ्री माइनस टू इंटू फोर बताओ यहां फॉलो किए कैसे निकाले जो के टू सी आर टू ओ सेवन ये अभी स्टार्ट किया हम लोग यहां निकालना है पोटासियम का प्लस वन इंटू टू कितना हो गया प्लस टू माइनस टू इंटू सेवन कितना हो जाएगा प्लस टूवेल्व लेकिन यहां नंबर कितना है टू तो प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू इट मीन प्लस सिक्स देखो अभी भी तो हम लोग एक्स मान करके निकाले तो वैल्यू इनका कितना आया प्लस सिक्स वैसे ही धीरे धीरे आगे की तरफ जब आप बढ़ते जाएंगे तो वहां आप डायरेक्ट ये प्लस माइनस जो है वो दिमाग में करोगे जैसे अगर हमें दिया हुआ है एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड यहाँ कार्बन का निकालना है तो हाइड्रोजन का जोड़ो प्लस वन इंटू टू कितना माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स कितना जाएगा? प्लस फोर तो यहाँ कार्बोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया प्लस फोर तो जब जरूरत पड़ेगा आगे में कि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम लोग वो डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं कुछ एक जगह पर स्पेशल कंडीशन डिस्कस कर रहे थे जहां हम लोग बात किए थे कि इन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफर करता है फ्लोरीन के केस में डिफर करता है कुछ एक जगह पर और भी डिफर करते वो भी निकालना है लिखे तो क्वेश्चन आप डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग इन फॉलोइंग यहां थ्री क्वेश्चन दिया हुआ है एक है एच टू एसओ फोर यहां सल्फर का निकालना है दूसरा है एच टू एसओ फाइव यहां भी सल्फर का निकालना है और तीसरा है एच टू एस ओ सिक्स यहां भी सल्फर का निकालना है निकालो तो जैसे आप एक्स मान करके निकालते हैं तो एक्स मान करके भी निकालिए वन इंटू टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो टू प्लस एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस सिक्स इज इकल टू जीरो एक्स इज इकल टू वैल्यू आ गया प्लस सिक्स यहां निकालेंगे वन इंटू टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू फाइव इज इक्वल टू जीरो टू प्लस एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इकल टू प्लस एट और यहां निकालेंगे तो वन इंटू टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू सिक्स इजिकल टू जीरो टू प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो एक्स माइनस टेन इजिकल टू जीरो एक्स इजिकल टू प्लस टेन बनाए आप लोगों से बना लिए यहां तक लेकिन अभी यहाँ यह बताने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इसमें जरूर जो है वो अलग बात होगी कुछ खास बात होगी तो खास बात यह है कि आपने ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स ही होगा और इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स ही होगा कैसे जबरदस्ती <laughs> <laughs> अभी जो है वो जबरदस्ती का रूल ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलेगा आप बताओ सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 2 एट सिक्स आउटर मोस्टर में कितना इलेक्ट्रॉन 6 तो सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है सल्फर का ही नहीं किसी भी एलिमेंट का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इसका मतलब वहां पर कुछ एक ऑक्सीजन पोरॉक्साइड फॉर्म में है और पोरॉक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन के फॉर्म में आता है तो इसका मतलब वो हुआ लेकिन अभी भी ये तो लग रहा है कि सर ये तो जबरदस्ती का कर दिया गया सिक्स उसी तरह से अगर नाइट्रोजन हम ले रहे हैं तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव आता है तो अगर कहीं ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल रहे हैं अगर वो प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन कुछ भी आ रहा है तो उसको लिख देना सीधा सीधा क्या प्लस फाइव और वो कैसे होगा वो जस्टिफाई करेंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर से यानी कि एक टॉपिक आगे जो डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू प्लस सिक्स ही आएगा प्लस एट और प्लस टेन नहीं आएगा तो पहले आप ये क्रॉस करके प्लस सिक्स लिखो और जो लिखवा रहे हैं उसको नोट करोगे लिखे नोट में अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखो द ऑक्सीडेशन नंबर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट कुड नॉट बी कुड नॉट बी मोर देन कुड नॉट बी मोर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी मोर देन

निगेटिव में तो क्लोरीन का वैलेंसी कहाँ होता है वन तो निगेटिव वैल्यू कितना होगा माइनस वन सल्फर का माइनस में कहां तक जा सकता है माइनस टू में जा सकता है सेकंड पॉइंट लिख लीजिए नोट में द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट would be equal, would be equal to its valency, would be equal to its valency, its valency, bracket में लिखोगे निगेटिव अब valence electron और valency में difference होता है हम समझते हैं कि अब यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा हम बताए भी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी बताए हैं कि कन्फिग्रेशन लिखते हो तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसी पर वैलेंसी डिपेंड करता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वन वैलेंसी वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव थ्री सिक्स टू सेवन एट यानी वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है यानी कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए कितना वो डोनेट करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन का वो शेयरिंग करेगा अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जो आज हम लोग को पढ़ना है ये और वहीं पर ये जो अभी आंसर आ गया था जबरदस्ती का प्लस सिक्स जो अभी आपके दिमाग में लग रहा होगा कि लास्ट वाला जो दो तीन आप क्वेश्चन बनवाए हैं वो डाउटफुल लग रहा है पिछले क्लास में भी आप बताए कि एच टू ओ टू में माइनस वन होगा ओ ए टू एफ टू में प्लस वन आ रही दूसरे में जो ओ एफ टू में प्लस टू आ गया तो कभी माइनस वन कभी माइनस टू ये कैसे हो जा रहा है वो सब कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली राइट ऑन द टॉपिक एक पॉइंट यहां आपको ध्यान में रखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त में उसको पहले लिखवा देते हैं लिखिए पॉइंट वाइज लिखोगे फर्स्ट पॉइंट इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स is formed between two different atoms two different atoms then then the oxidation number then the oxidation number would be minus 1 then the oxidation number would be minus 1 for more electronegative element for more electronegative element Electronegative element and plus one and plus one for less electronegative element and plus one for less electronegative element, less electronegative element, electronegative element. Next point. in double covalent bond in double covalent bond the oxidation number in double covalent bond the oxidation number would be minus 2 the oxidation number would be minus 2 and plus 2 minus 2 and plus 2 and for triple covalent bond and for triple covalent bond triple covalent bond the oxidation number the oxidation number would be minus 3 would be minus 3 and plus 3 would be minus 3 and plus 3 respectively would be minus 3 and plus 3 respectively रिस्पेक्टिवली बोर्ड पर देखना ज्यादा है? है, है, है. तो है तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा ए का भी ज्यादा हो सकता है बी का भी ज्यादा हो सकता है हम समझाने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ज्यादा मान लिया अब है कि यह भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हो या फिर ए और बी के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हो या ए और बी के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हो इन तीनों में से कोई कंडीशन हो सकता है अब यहां कहा जा रहा है कि जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनके ऊपर माइनस वन और जिनका कम है उसके ऊपर में प्लस वन यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर में लिखेंगे माइनस टू और यहां क्या लिखेंगे प्लस टू यहां ट्रिपल बॉन्ड बना है आप बता ए के ऊपर में 3. और यहाँ प्लस थ्री कब जब ए का इलेक्ट्रो ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में जिसका ज्यादा होगा उसके ऊपर में ऐसा भी हम लोग पोलर और नॉन पोलर पढ़े ना केमिकल बॉन्डिंग में कि जो जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होता है सेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और उनके ऊपर में पार्सल निगेटिव चार्ज और जिनका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है उसके ऊपर में पार्सल पॉजिटिव चार्ज वही कंसेप्ट कुछ कुछ यहां भी अप्लाई हो रहा है इसको नोट कीजिए देखो लिख इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स then then plus 2 oxidation number then plus 2 oxidation number would be plus 2 oxidation number would be assigned on assigned on donor atom assigned on donor atom donor atom and minus 2 एंड माइनस टू ऑन एक्सेप्टर एंड माइनस टू ऑन एक्सेप्टर ए डबल सीई पी टीओ आर एक्सेप्टर कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ सेलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम ए सिंगल एटम जैसे अगर मान लिया एक से है और ये वाई के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये एरो इसकी तरफ में है, इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड कर रहा है एक्स वाई को दे रहा है यहां डोनर एटम कौन है और एक्सेप्टर कौन है y. तो इस जगह पर लिखे हम लोग की जो डोनर होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना प्लस टू और जो एक्सेप्टर होगा उसका माइनस टू नोट कीजिए ऐसे नेक्स्ट पॉइंट इफ ए कोवलेंट बॉन्ड इफ ए कोवलेंट बॉन्ड ब्रैकेट में लिखोगे सिंगल डबल और ट्रिपल सिंगल डबल और ट्रिपल और ट्रिपल ब्रैकेट क्लोज कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स इज फॉर्म्ड बिटवीन two identical atoms two identical atoms identical atoms then then the oxidation number then the oxidation number on both atom oxidation number on both atom would be zero would be zero भी जीरो समझोगे आप यहां, यहां कर रहा है कि मान लिया एक्स और एक्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वाई और वाई के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और जेड और जेड के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है आपसे पूछ रहे हैं आप बताओ तो यहां एक्स और x के बीच में है तो इन दोनों में किनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा बराबर होगा और जब बराबर है तो पोलर बॉन्ड बनेगा या नॉन पोलर क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा बिल्कुल बीच में यानी किसी के ऊपर में कोई चार्ज एपियर नहीं होगा तो यहां पर भी अगर आइडेंटिकल एटम के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है दोनों का इलेक्ट्रो वैल्यू सेम है तो इस वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू होगा वो जीरो होगा चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल एटम है तो जीरो अलग अलग एटम हैं तो जिनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर माइनस और जिनका कम होगा उसके ऊपर में 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 प्लस बस इतना ही बात ध्यान में रखना है है दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच बॉन्ड जीरो होगा अलग अलग एटम है तो जाहिर बात है कोई एक का निगेटिविटी ज्यादा होगा किन का ज्यादा होगा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखना है गेस करना है टेबल में पोजिशन याद करो टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है तो जो ऊपर की तरफ में रहेगा उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा जैसे पूरे टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरिन का दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन तो ये तीन तो सीक्वेंस था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी से रिलेटेड था ये पार्ट भी आपका बताया हुआ है और बाकी अभी यूज करेंगे हम लोग इसको नोट कर लीजिए आप अब यहां बताते हैं हम इतमान से तीन चार एग्जाम्पल्स हम बताएंगे आप ध्यान से समझोगे कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे समझना ज्यादा जरूरी है ठीक है और समझ में आएगा तो बाकी आप कॉपी नहीं भी करोगे तो भी बाकी जो क्वेश्चन देंगे वो बन जाएगा और नहीं समझेंगे तो यहां हम पचास को क्वेश्चन लिख देंगे आप सिर्फ लिखने में लगे रहेंगे और एकावनवा क्वेश्चन आपसे जो नहीं हिलेगा नहीं हिलेगा हिलेगा भी नहीं हिलने का मतलब समझते हो ना पेन पकड़ के उसको हिला रहे हैं लिखा हुआ जो है वो अब हिलिए नहीं रहा है देखो यहाँ जैसे अगर हम लोग H2 लेते बोर्ड पर अब देखना H2 H2 का स्ट्रक्चर याद करो H और H के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बताओ इस हाइड्रोजन का जीरो, यहां भी जीरो। यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस जगह पर कितना आ गया जीरो। वहीं अगर हम लोग O2 ले रहे हैं O2 के केस में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है आप बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहां Zero. यहां Zero. यानी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया जीरो अगर एन टू कंसिडर कर रहे हैं तो एन टू में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बता यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना हो गया जीरो हो गया तो एक जगह पे पॉइंट लिखवाए थे कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू जीरो होता है तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहने का मतलब जो आइडेंटिकल आइटम से मिलकर के बना हुआ है अभी थोड़ा और ध्यान दो अगर मान ले कि हमें एच दिया गया एच तो एच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है अब बताओ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन का तो बताओ यहां क्लोरीन का हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस वन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ा सिर्फ ध्यान रखना है कि कितना बॉन्ड बन रहा है और दूसरा पार्ट ये ध्यान में रखना है कि किन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है आप में से भी एक स्टूडेंट आकर के बोला कि सर एक जगह आप लिखवाएं कि हाइड्रोजन का जीरो होता है और फिर एक जगह पर आप हाइड्रोजन का प्लस वन ले रहे हैं ये कैसे हो गया दो जगह पर हम बताएं कि एक क्लास वेट करो उसके बाद में फिर समझ में आएगा अब देखो यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है लेकिन दोनों जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया प्लस वन लेकिन यहां कितना है जीरो रीजन ये अगर आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम के साथ में जुड़े हुए हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो और इन्हें एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहा जाता है और इनका प्लस वन कब आया जब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है अलग एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो वो प्लस वन होगा दूसरा लेते हैं अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं CO2 का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल ऑक्सीजन आप बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किन का तो कितना लिखेंगे माइनस टू और यहां प्लस टू इस बॉन्ड के लिए हुआ उसी तरह से फिर अब इस बॉन्ड को काउंट करेंगे ऑक्सीजन का माइनस टू कार्बन का प्लस टू अब देखो तो कार्बन का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना गया प्लस फोर ऑक्सीजन का देखेंगे तो माइनस टू एंड माइनस टू माइनस फोर ऑक्सीजन का नंबर कितना है दो तो टू से डिवाइड कर दिए माइनस टू इट मींस इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज टू एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज प्लस फोर दूसरा अगर एच टू ओ लेते वाटर इनका स्ट्रक्चर ये होता है एच टू ओ यहां बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस बॉन्ड में किनका इलेक्ट्रोनिकेटिविटी ज्यादा तो बताओ हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन ये तो इस बॉन्ड के लिए हो गया अब इस बॉन्ड को लेते हैं इस बॉन्ड के लिए भी हाइड्रोजन का प्लस वन ऑक्सीजन माइनस वन ठीक है अब हाइड्रोजन को लो प्लस वन और प्लस वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन क्यों डिवाइडेड बाई टू टू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू एक ही आइटम है तो माइनस टू बाई वन समझ में आ रहा है अगर हमें एन थ्री का निकालना है अमोनिया का तो एन थ्री का यह स्ट्रक्चर होता है एच एच एक एक बॉन्ड को आप देखोगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा नाइट्रोजन का तो बताओ यहां इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन इस बॉन्ड की वजह से यहां इस बॉन्ड की वजह से यहां माइनस वन अब देखो यहां नाइट्रोजन के ऊपर में टोटल कितना चार्ज आ गया माइनस थ्री हाइड्रोजन के ऊपर में प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन निकल सकता है किसी का भी निकाला जा सकता है अगर सी एच फोर हम लोग लेते सीएच फोर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 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 बताओ इस कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से किनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन अब इस बॉन्ड का हाइड्रोजन प्लस वन कार्बन इस बॉन्ड की वजह से प्लस वन माइनस वन इस बॉन्ड की वजह से प्लस वन माइनस वन कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का प्लस ठीक है एच एनओ थ्री नाइट्रिक एसिड कहते हैं. H -O -N, o, और यहां डबल बॉन्ड हो यह एच एन ओ थ्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया अब यहां पर एक अलग पार्ट जो है ध्यान में रखना होगा जो पढ़े उसको इस बॉन्ड को पहले देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से यहाँ इनके बीच में बन रहा है किन का ज्यादा है ऑक्सीजन बताओ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन माइनस वन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का माइनस वन नाइट्रोजन प्लस वन यहां डबल बॉन्ड बना है तो ऑक्सीजन पर माइनस टू नाइट्रोजन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो जो डोनर है उसके ऊपर में प्लस टू और जो एक्सेप्टर है माइनस टू अब देखो तो नाइट्रोजन के ऊपर में टोटल चार्ज कितना आ गया टू टू फोर एंड वन फाइव प्लस फाइव ऑक्सीजन का देखो माइनस टू एंड माइनस टू माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस टू तो माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री यानी माइनस टू और लास्ट में किसका हाइड्रोजन प्लस वन बुलवाया निकल जाएगा ना अब उनको दिक्कत हो सकता है जिनको स्ट्रक्चर लिखने नहीं आता है अब वो सोचे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक के बॉन्ड कहा है बने okay. दो गो कहा है नहीं बना तब उनको तो थोड़ी देर के बाद ये दिक्कत होगा कि ऑक्सीजन को ओही से काहे लिखते हैं <laughs> सी से काहे नहीं लिखते हैं हालांकि ये सारा बात जो बोले आपको वो हम सब बताएं आप याद कीजिए जब स्टार्ट किए हैं तो हम ये मान के चले कि सामने वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है हम इसको बताना शुरू किए तो वहां पर भी ये बताए कि 6, 7th क्लास में बताया गया होगा कि ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर ओ है तो पहले सिंबल दे दिया गया उनके नाम का फर्स्ट लेटर ओ है और ऑक्सीजन लिखते हैं तो ओ एक्स वाई जी एन ओ ऐसे जो जीरो बनाते हैं उसको ओ पढ़ा जाता है अब ये सब में भी दिक्कत है तो आप केमिस्ट्री ले लिए हैं गलती से ठीक है अब नया सेशन में जो करेक्शन करवा लीजिएगा ठीक है इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं हम लोग अब कुछ क्वेश्चन यहां दे रहे हैं उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने हैं। H2SO4, आप एच टू फोर निकालिए आप किन को स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो हम थोड़ी देर में स्ट्रक्चर लिख देते सल्फ्यूरिक एसिड इनका फॉर्मूला होता है एच टू फोर जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हाइड्रोजन का सल्फर का और ऑक्सीजन का एक समान करके नहीं अस्ट्रक्चर से और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिए हम एच टू एस ओ फोर का अब देखो आप एच टू एस ओ फोर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताओ किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है सिंगल बॉन्ड है माइनस वन प्लस वन यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन में माइनस वन प्लस वन यहां भी माइनस वन प्लस वन यहां प्लस वन माइनस वन यहां डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पर माइनस टू सल्फर का प्लस टू यहाँ माइनस टू और यहाँ प्लस टू अब देखो तो सल्फर पे टोटल कितना चार्ज आ गया प्लस सिक्स ऑक्सीजन का टोटल चार्ज देखो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस एट बाई फोर माइनस टू हाइड्रोजन का देखो कितना आ गया वैल्यू प्लस वन बना था कितने लोग का आया था चलो ठीक है कई लोग जो यह स्ट्रक्चर कोई बात नहीं है नेक्स्ट वाला ट्राई करो यह बनना चाहिए एस थ्री पीओ फोर यह एस थ्री पीओ फोर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर प्लस वन माइनस वन यहाँ ऑक्सीजन का माइनस वन फॉस्फोरस प्लस वन डबल बॉन्ड है माइनस टू प्लस टू यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन यहाँ प्लस वन माइनस वन माइनस वन प्लस देखो तो फॉस्फोरस का कितना आ गया टू थ्री फोर एंड वन फाइव प्लस फाइव ऑक्सीजन का कितना आ गया माइनस टू हाइड्रोजन का प्लस थ्री बाई थ्री प्लस वन निकल जाएगा yes. तो कई बार क्वेश्चन में स्ट्रक्चर से ही निकालने के लिए कहता है कि स्पेसिफाई कंसेप्ट आपका चेक करना चाहता है तो आपको स्ट्रक्चर बना करके निकालना पड़ेगा और अगर ऐसे सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है तब आप फ्री हैं जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हैं जैसे कहा गया कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस तो हम भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि फास्फोरस का निकालना है इस थ्री पी ओ फोर में तो आप डायरेक्ट यहीं से निकालो ना वन इंटू थ्री थ्री आ गया माइनस एट आ गया तो इसका कितना हो गया प्लस फाइव तो आपको आंसर तो प्लस फाइव पे मिलेगा हाफ मार्क्स का है वन मार्क्स का है तब फिर इतना क्यों करेंगे लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए अगर कह रहा है कि नहीं स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही निकालिए तो फिर ये निकालेंगे और इस कंसेप्ट का जरूरत वहाँ पर है जो एक्सेप्शनल पार्ट आ रहा था एक्सेप्शन में था यहाँ पर वो एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा यानी कि आपका जैसे याद नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस वन होगा यहाँ प्लस वन होगा देखो एग्जाम्पल कुछ एक बता रहे हैं यहाँ बोर्ड पर देखना जैसे अगर एच टू ओ टू है तो एच टू ओ टू का स्ट्रक्चर ये होता है एच ओ ओ और ये एच सब लोग बोर्ड पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर प्लस वन ऑक्सीजन माइनस वन बताओ यहाँ ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर जीरो जीरो क्यों जीरो आइडेंटिकल यहाँ एच के ऊपर में प्लस वन यहाँ माइनस वन अब देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू बाई टू माइनस वन हाइड्रोजन का कितना हो गया प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इट मींस प्लस वन ऑटोमेटिकली आ गया कोई अलग कंसेप्ट अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा इसे देखो ओ टू एफ टू यह स्ट्रक्चर है o, o, फ्लोरिन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है यहां माइनस वन यहां प्लस वन यहां बताओ जीरो प्लस वन अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू डिडेड का बाई टू। में आ गया ऑक्सीजन प्लस वन और वहां याद करना पड़ा था आपको कि उसको एक मानेंगे फ्लोरीन का वहां तो कंफ्यूजन भी हो रहा था कि कहीं पर माइनस टू ले रहे हैं कहीं पे प्लस वन ले रहे हैं लेगा आखिर कितना तो वो डिपेंड करता है कि किसके साथ में वो जुड़ा हुआ है जैसे अगर आपको मेरे साथ में कनेक्ट किया गया पहले भी बात किए हैं और आप मेरे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं तो हम आपको बोलने नहीं देंगे आप अपना काबिलियत दिखाने की कोशिश कीजिएगा चुप करा के बैठा देंगे बैठ चुपचाप ठीक है और आ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर उछल कूद कर रहा होगा तो बोल देंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर जाओ ठीक है लेकिन अगर आपको आपके छोटे भाई बहन के साथ में कनेक्ट कर दिया गया तो आप उस वक्त में जो है वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म में बिहेव कीजिएगा उसको बोलने नहीं दीजिएगा जैसे अगर मान लें कि फोर फाइव क्लास का है तब देखो तुम्हारा कितना ज्ञान तुम्हारा उसके सामने खुलेगा उसको सब कुछ सिखा दोगे कि बेहुदा कुछ नहीं करेगा तुम लाइफ में बर्बाद होकर के रह जाएगा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा कितना टफ कंपटीशन है तुमको पता है ठीक है सब तुम उसको समझाना शुरू कर दोगे ठीक है होगा कि नहीं होगा ठीक है कोई आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करके पूछे ना कि भाई हमको कैसे पढ़ना है देखो तुम कितना अच्छा अच्छा पढ़ने का तरीका बताते एकदम अर्ली मॉर्निंग उठो सुबह में उठो और तुम खुद बारह बजे सो करके उठेगा सिस्टमेटिक तरीके से रिविजन करो ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ में कनेक्ट किया गया अगर आपको कनेक्ट किया गया आपके ज्यादा रिएक्टिव के साथ में तब उस कंडीशन में आप नहीं बोल पाएंगे और अगर आपके लिस्ट रिएक्टिव के साथ में कनेक्ट कर दिया गया तब उस कंडीशन में आप जो है वो ज्यादा ज्यादा शो करेंगे अपना कुछ है बगाड़ना शुरू करेंगे ठीक है बोलो कि आगे जाकर के बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ठीक है किताब थमा दोगे कोई मोटा वाला साइड बुक जो है बेचारा दोनों हाथ से पकड़ के रखेगा देख रहे हो बुद्ध ये बुक देख रहे हो ना तो कि हाँ आप पढ़ते हैं तो कि हाँ जी ठीक है तो कि इतना पढ़ लेते हैं आप पढ़ लेते हैं ये सब यहाँ है दिमाग में है। आप वो बेचारा जो कंफ्यूज ही रहेगा रे दीदी भैया जो कितना पढ़ते हैं ठीक है वहां पर ओ, ओ एफ टू यहां निकालना है ओ एफ टू का स्ट्रक्चर ही आएगा O अब इस जगह पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है माइनस वन ऑक्सीजन प्लस वन यहाँ माइनस वन प्लस वन अब आप बताओ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस वन ऑक्सीजन का प्लस टू देख रहे हो यहां पर ऑक्सीजन आ गया प्लस वन यहां ऑक्सीजन आ गया प्लस टू और इस जगह पर ऑक्सीजन आ गया माइनस वन तो जो एक्सेप्शनल पार्ट था वो यहां पर क्लियर हो रहा है उसके स्ट्रक्चर के अनुसार से अब वो वाली बात जो हम लोग आकर के अटक गए थे एच टू एस ओ फाइव में और एच टू एस ओ सिक्स में कि यहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू प्लस सिक्स कैसे हो गया प्लस एट की जगह पर प्लस टेन की जगह पर प्लस सिक्स कैसे लिखेंगे वहां हमने बता दिया कि जबरदस्ती लिखे क्योंकि कुछ बताने लायक था नहीं वहां पर लेकिन अब उसका रीजन है इस जगह पर समझाया जा सकता है कि प्लस सिक्स ही होगा और ये हम नहीं तुम बता दोगे देखो इनका एच टू एस ओ फाइव का यह स्ट्रक्चर होता है एच टू एस ओ फाइव एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ और एच देखो तो मॉलिकुलर फार्मूला है एच टू एस ऑप्शन वन टू थ्री फोर फाइव ये आ गया और वहीं अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं एच टू एस ओ सिक्स का तो यह स्ट्रक्चर ऐसे आता है एच डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ओ ओ और ये एच ठीक है अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का प्लस वन ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीजन माइनस वन सल्फर प्लस वन माइनस टू प्लस टू यहाँ माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस टू देखो तो सल्फर का कितना आ रहा है टू थ्री टू फाइव एंड वन सिक्स बाकी सब का भी अगर निकालना है तो one, यहां हाइड्रोजन प्लस इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का ये जो दो एटम है वो परऑक्साइड फॉर्म में है इन दोनों ये तीन ऑक्सीजन एटम जो है यानी कि यहां पर एक दो और एक तीन तो ये तीन ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना आ रहा है टू। और दो ऑक्सीजन एटम यहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा माइनस वन देखो यहां माइनस वन और यहां माइनस वन जब इनका अगर एवरेज निकाल लेंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा जैसे आप याद करो एफ थ्री ओ फोर का प्लस एट बाई थ्री आ रहा था ना तो प्लस एट बाई थ्री सर कैसे हो जाएगा फ्रैक्शन में कैसे चला जाएगा चार जो है वो एक्चुअली एवरेज निकाला गया है वो तो उसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे तो एवरेज लेकिन जब हर एक आइटम दिख रहा है हमको स्पेसिफिकली कि कौन क्या है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखे कि दो ये तीन नॉर्मल ऑक्सीजन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना है टू। और दो ऑक्सीजन आइटम में है ये और ये और इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है माइनस वन और इसी अनुसार से अगर सल्फर का निकालेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया प्लस सिक्स अब इसको लिंक करो वहां से हम लोग को गलती क्या हो रहा था लोग जब एक समान करके बना रहे थे तो पांचों ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन माइनस टू कंसिडर कर रहे थे जबकि रियल में यहां पर दो ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड लिंकेज पर है और लिंकेज में कितना होता है? वैसे ही यहां पर भी देखोगे आप तो यहां प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस वन प्लस वन यहां माइनस टू प्लस टू यहां प्लस वन माइनस वन बोलो आप जीरो जीरो माइनस वन प्लस वन यहां माइनस टू प्लस टू आप बताओ तो सल्फर का देख करके कितना ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स हाइड्रोजन का कितना होगा प्लस वन डायरेक्ट लिख रहे हैं ऑक्सीजन कितना नॉर्मल ऑक्सीजन है दो ए और ये इनका कितना है माइनस टू और कितना परऑक्साइड है चार जिनका कितना है माइनस वन तो इस वजह से यहां पर भी जुड़े तो वन टू वन थ्री टू सिक्स तो अब जबरदस्ती नहीं हुआ ना ये तो इनका स्ट्रक्चर बता रहा है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू कितना होगा प्लस सिक्स होगा तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार से अगर बनाते हैं तो ये पता चलता है कि कहां पर किन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर उसी पर डिपेंड करता है बाकी तो निकालने का एक तरीका बता दिया गया कि अधिकांश में ऑक्सीजन का माइनस टू होता है लेकिन परऑक्साइड के फॉर्म में माइनस वन होता है लेकिन कहाँ परऑक्साइड है ये पता चलेगा जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उसी वक्त में तो जो एक्सेप्शनल पार्ट था उनको आप नोट कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें थैंक यू वेरी मच